नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनस्टर हॉटलाइन में। आज 25 जनवरी यानी आज मतदाता दिवस है। इस मौके पर चुनाव आयोग एपिक ऐप को लॉन्च करने जा रही है। आपको बता दें, इस ऐप की मदद से आप घर बैठे फोन पर अपना वोटर आईडी कार्ड जनरेट करके डाउनलोड कर सकेंगे। आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड भी अब ऑनलाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भी वोटर कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। बने रहिए हमारे साथ एंड तक। भारतीय निर्वाचन आयोग आज से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक ऐप को शुरुआत करने जा रही है और इस ऐप को आज लॉन्च कर दिया गया है। सबसे पहले इस ऐप को दो फेज में लॉन्च किया जाएगा। पहला फेज 25 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें ये सुविधा 19,000 नए वोटर्स को दी जाएगी। नए वोटर्स वे लोग हैं जो कि अपना नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया हुआ है। जबकि दूसरा फेज 1 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें सभी वोटर्स इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे। यानी अब वोटर आईडी कार्ड की हार्ड कॉपी हमेशा साथ रखने की जरूरत नहीं होगी, आप उसे अपने फोन में साथ लेकर के चल सकेंगे। यह ठीक उसी तरह होगा जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्डिंग पास होता है, जिसे हवाई यात्रा करने से पहले डाउनलोड किया जाता है। इसके लिए आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराते वक्त मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। मतदाता सूची में मोबाइल नंबर और नाम दर्ज होने के बाद आपके फोन पर एक मैसेज आएगा। इसके बाद OTP आएगा और इस OTP के जरिए आप एपिक ऐप डाउनलोड करके उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद से आप अपना नया वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। आपको बता दें, जो लोग पहले से मतदाता के रूप में दर्ज है यानी जो लोग पहले के अप्लाई किए हुए हैं और उनका वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, वे लोग कैसे डाउनलोड करेंगे आपको बताते हैं। तो वैसे लोग डिजिटल कार्ड के लिए अपनी पूरी डिटेल वेरीफाई कराएंगे। यह प्रक्रिया वैसे ही होगी जैसे बैंक में KYC के लिए करानी होती है। यहाँ भी आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल देना होगा ताकि फ़ोन और मेल पर आपको जानकारी दी जा सके। अब आइए बताते हैं इस नए एपिक ऐप के लॉन्च होने से आपको फ़ायदा क्या होगा। तो आपको बता दें, इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा समय की बचत है। अब वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने के लिए अधिक समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं अब नए वोटर कार्ड बनवाने या पुराने कार्ड में बदलाव करने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने फ़ोन पर ही इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी ऐप यानी एपिक ऐप को डाउनलोड करके डिजिटल वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। और इस ऐप की सबसे बड़ी फायदा यह है कि वोटर आईडी कार्ड गुम हो जाने की स्थिति में भी ये ऐप काम आएगी। आपको बता दें, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड कहीं गुम हो जाता है तो आप ₹25 का चार्ज दे करके डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।